हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल ऋषि कुल्या ब्लॉग्स पे। एंड आप बैक साइड में देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ। आपको मैं आज एक अलग तरह का वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। सो, आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे मैं सेक्टर 6 का हॉकी स्टेडियम में आई हूँ। और ये जो है ये आपका सेक्टर 5 एंड सेक्टर 6 के मिड में है। सो, आप सर्च कर सकते हैं मैप में, आपको जो है यहाँ का लोकेशन पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं काफी बड़ा स्टेडियम है। सो, यहाँ पे जो है बच्चों का समर कैंप चालू हो गया है। सो, देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे बैक साइड में वार्म अप चल रहा है। सो, मैं आपको फिर से अच्छे से दिखाऊंगी। एंड हाँ, आप हमें प्यार देना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है एंड काफी बड़ा है। तो यहाँ पे काफी सारे मैचेस वगैरह खेला जा चुका है और आगे भी खेला जाएगा। अगर आप कभी मैच हुआ तो आप जरूर यहाँ पे आके जो है मैच का एकदम आनंद उठा सकते हैं, मैच को एंजॉय कर सकते हैं एंड काफी अच्छा व्यू आ रहा है। सो फ्रेंड, देखते हैं बच्चों अभी क्या क्या करेंगे यहाँ पे। वैसे इस साइड में अभी हॉकी चल रहा है एंड दूसरे साइड में बाकी सारे गेम्स जैसे कि फुटबॉल, रनिंग और फिर बाकी सारे गेम्स, बैडमिंटन, सब कुछ चलता है। तो समर कैंप में ये सब इतने सारे बच्चों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो चलिए फिर एंजॉय करते हैं। और हम आए हैं यहाँ पर बिकॉज हमारी जो है सुरू जो फ्रेंड है उनके बच्चे यहाँ पे समर कैंप पे पार्टिसिपेट किए हैं। सो हम सोचे कि आपके आपको भी एक बार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो होना ही चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। 90s के बच्चों को तो ये सब नसीब नहीं होने के बराबर ही होता था, बट आजकल के बच्चों को बहुत सारे फैसिलिटीज स्कूल की तरफ से एंड जो है पेरेंट्स भी अभी अवेयर हो गए हैं। सो इस वजह से जो है सारे बच्चे जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखते ही हैं। सो देख सकते हैं आप कितने ही खूबसूरती के साथ अभी वो लोग वार्म अप कर रहे हैं। अब थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद वो लोग खेलना स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते, देख लीजिए, तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे 25,000 कैपेसिटी है। मतलब कि कभी अगर मैच, बहुत सारे हॉकी मैचेस वगैरह यहाँ पे
खेला जाता है, सो उस टाइम में 25,000 लोग यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। सो काफा सिटी काफ़ी बड़ा है और ये हॉकी स्टेडियम है, सेक्टर 6 में है। काफ़ी मैचेस वगैरह होगा तो आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अभी तो मैचेस नहीं है, बस अभी समर कैंप चल रहा है, सो वही हम आपको दिखाने के लिए ले आए हैं। सो यहाँ पे देखिए बच्चों का वार्म अप चल रहा है, उसके बाद जो है उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो आप अगर अपने बच्चों को हॉकी के रिलेटेड कुछ भी अगर सिखाना चाहते हैं या कुछ भी अगर उनको ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ के कोच से एक बार बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गैलरी में बैठे हुए हैं एंड बच्चों को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे उनका थोड़ा सा जो है रनिंग करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ पे, और उनके कोच भी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हम लोग नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं, दूर से ही हम दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये ब्लॉग बोरिंग लगे, बट हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि हम शायद घर से जो है 5:30 से पहले निकल गए थे या फिर 5:30 में शायद निकले, और सुबह का जो है व्यू तो आप सभी को पता ही है मुझे बहुत पसंद है देखने के लिए। सो इसीलिए हम जो है रेडी हो गए हैं यहाँ पे आने के लिए। एंड अगर आप बाकी टाइम में भी अगर ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप कोच जी से बात कर सकते हैं, उनसे क्या क्या प्रोसेस है, कैसा क्या प्रोसेस है वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, सो वो आपको पूरे डिटेल्स दे सकते हैं। सो फिलहाल तो हम बैठ के यहाँ पे देखिए एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम स्टेडियम के बाहर का भी व्यू दिखाएंगे। स्टेडियम के बाहर का जो है व्यू वहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़कियाँ वॉलीबॉल अपना खेल रही हैं और इधर जो है काफ़ी सारे नीचे रहने के लिए जगह था, बट समझ में नहीं आया वहाँ पे कौन रह रहा है। तो हम थोड़ा सा वॉक अभी कर रहे हैं बाहर। और ये देखिए, ये बॉक्सिंग के लिए जो है बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये जो स्टेडियम के नीचे साइड में ही ये सब हो रहा है और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर भी हैं। और हम वही देख रहे थे कि यहाँ पर बॉक्सिंग सेंटर कैसा है, तो लॉक था फिर भी हम जो है आपके लिए थोड़ा सा कैप्चर कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तो काफ़ी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे लोग अपना खेल रहे हैं। सो हम बाहर साइड में भी आए, बाहर भी बहुत सारे स्पोर्ट्स जो है उनको सिखाया जा रहा है। और अभी हम जो है जॉगिंग वाला सूट आज नहीं पहने हैं, नहीं तो हम भी थोड़ा सा रनिंग कर लेते। एंड देखिए सुबह का टाइम है, आज धूप भी नहीं है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और आप ये जो देख रहे हैं ये सेक्टर 6 का जो है हिल स्टेशन है, और ऊपर जो है वो दूरदर्शन, उसके साथ काफ़ी सारे मंदिर। और ये वाला जो है पहाड़ के अपोजिट साइड में जो है वैष्णव देवी टेम्पल, वो भी यहाँ पे ही है। सो काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ रहा है, आप एंजॉय कीजिए।
ये सिर्फ हाय और बाय के टाइम में साथ में रहती है, बाकी टाइम तो कैसा लगा खेल के? अच्छा लगा। हर दिन आओगे खेलने है ना? और ये इनकी दोस्त है, वो भी दोस्त है ना? आपके सारे फ्रेंड को बोल दिए ना, यूट्यूबर है बोल के। चलिए फिर बाय बाय।